डियर स्टूडेंट्स, आज के 8 टॉपिक्स आ चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इसे कंप्लीट कर पा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना एक बड़ी चुनौती है, बड़ी उपलब्धि है। इसे आप कंटिन्यू करें, 1-1.5 महीने की बात है, ये मेहनत आपका बड़ा काम आने वाला है। आइए आज के इस 8 टॉपिक्स का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। लेटर्स हमने प्रयास किया है कि बड़े हों और दिखते हों सही सही। कुछ लोग बोलते हैं कि लेटर्स समझ में नहीं आते, छोटे होते हैं, तो हमने प्रयास किया है कि ये लेटर्स सही हों। देखिए, आज ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने कंटिन्यू किया है। पहला टॉपिक आज का बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, ये हम लोगों ने पहले किया है, आपने पहले पढ़ा। अब जो आप पढ़ेंगे ये फाइनल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्या त्रिरत्न है, उनके जो धार्मिक पुस्तक हैं उन्हें क्या कहते हैं, बौद्ध संघ में पहले कौन आए, कौन शिष्य बने, आत्मा और मृत्यु के बारे में, महापरिनिर्वाण, मोक्ष, ये सारी बातें आपको समझना है। जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या है, तो ये सब, और 4 बौद्ध संगीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा टॉपिक आज का जो हमने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से हमने कंटिन्यू किया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इससे बन जाता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, तो हमें फिर से इसे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इनकी अलग अलग कोठियाँ, कौन कौन से इनके लीडर्स थे, किस युद्ध में क्या हुआ, बहुत सारे युद्धों को भी इन्होंने लड़ा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा टॉपिक जो आज हम लोगों ने लिया है वो है पृथ्वी की गतियाँ, यानी ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट जस्ट हमारे जो अर्थ है उसका सूर्य के चारों ओर किस तरह से रिवॉल्यूशन और रोटेशन चल रहा है, अपने अक्ष पर और फिर सूर्य के चारों ओर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिससे दिन रात होता है, छोटे बड़े दिन होते हैं, देखिए एपहेलियन, पेरिहेलियन, इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस, ये सब आपको समझना है। डेट्स में कंफ्यूजन होता है, 21 जून या 21 मार्च, 22 सितंबर या 21 दिसंबर, तो ये आपको समझना है। साथ ही सूर्य से अधिकतम दूरी या निम्नतम दूरी, एपहेलियन, पेरिहेलियन, इसे आप अच्छे से समझेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का जो चौथा टॉपिक है वो कल हम लोगों ने लिया था प्लांट किंगडम, आज है एनिमल किंगडम, यानी जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण किस तरह से समुद्र में, धरती पर उड़ने वाले लेंगे इस एनिमल किंगडम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम बड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, प्रयास करें जितना समझ में आ जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव है प्रश्न बन जाए, तो इसे आप करें। उसके बाद नेक्स्ट हमने पॉलिटी में प्रस्तावना फिर से लिया है, जो हम लोग 5 टॉपिक जो रिवाइज कर रहे हैं उसमें 5वां टॉपिक पॉलिटी का टॉपिक है। हम लोगों ने सोर्सेस कल किया था, ये आपको याद होना चाहिए कि किस देश से क्या हमने लिया, किस अनुसूची में, शेड्यूल में क्या वर्णित है, ये डिटेल्स। आज हम लोग प्रीएम्बल करेंगे, किसने प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस किया, क्या इसकी महत्ता है, किस देश से ये लिया गया है, इसकी भाषा किस देश से प्रभावित है, संवैधानिक संशोधन क्या क्या इसमें हुए, और इसके जो लाइन्स हैं शुरुआती, भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, इस तरह से जो शब्द है उसके, ये शब्द का क्रोनोलॉजी पूछ देता है, तो इसे आप समझेंगे। बहुत छोटा, आधे पेज में है, इसे आप कम करने। नए टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं उसमें आज का साइंस एक है, हिस्ट्री एक है, और एक बिहार का है। साइंस में हम लोग एक फिर से कर रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये नया टॉपिक में तो हमने लिया है, लेकिन इसे फिर से हमने रिवाइज वाले टॉपिक को ले लिया है। क्रोमोसोम्स, DNA और RNA, ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से हमने इसे लिया है। क्रोमोसोम्स किस किस जानवर में, किस किस एनिमल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बींग में क्रोमोसोम्स का क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही DNA और RNA, कई बार तो DNA और RNA का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये सब आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। RNA 3 टाइप का है, tRNA, mRNA, उसके बाद rRNA, तो ये डिटेल्स आप पढ़ें। फिर से आप एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके एक एक जो टॉपिक हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप करें। दूसरा जो है 8वां 7वां टॉपिक वो है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल फिर से हम लोग कर रहे हैं, और ये 1773 से पहले गवर्नर जनरल से 1858 तक करेंगे, यानी हाफ फेज जो गवर्नर जनरल टोटल है उसमें 1773 से लेकर वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर आपको 1858 तक जो गवर्नर जनरल हैं डलहौजी तक, ये हम लोग कर रहे हैं आधा, उसको नेक्स्ट कल करेंगे रेस्ट पार्ट, तो इसे आप समझने का प्रयास करें किस गवर्नर जनरल के समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कौन सा युद्ध हुआ, क्या कुछ निर्णय लिए गए। और अंतिम आज का लास्ट टॉपिक है बिहार का टॉपिक शिक्षा, ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि बिहार के डेली हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक
इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन जितना भी आप पढ़ लेते हैं, एक रीडिंग भी आप दे देंगे तो एग्ज़ाम में आप कम से कम ये सोचेंगे कि हमने इसे पढ़ा है। तो आज शिक्षा और साक्षरता यानी एजुकेशन एंड लिटरेसी बिहार से हम लोगों ने लिया है। क्राउन का सिर्फ हम लोग इसमें ले रहे हैं पेजेस, या आपके पास लुसेंट है या कोई और है तो आप उससे पढ़ लें शिक्षा और साक्षरता। तो आज के ये 8 टॉपिक्स यहीं तक रहेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करें, जितना संभव हो सके इसमें टाइम लगा दें, ये बड़े काम का चीज़ हो रहा है, आपके भी बड़े ये काम आएगा। फिर से एक बार आप इसके आप ये देख लें, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बस यहीं पर आज छोड़ेंगे इस 8 टॉपिक्स को, साथ ही एक नए एपिसोड के साथ जल्द आएंगे। टेक केयर।